press the bell icon on the YouTube app and never मौजूद था क्यों नहीं बुखारी का जो सबसे बड़ा बुखारी जो था इसी के अब्बा जान थे तो क्यों नहीं बुला करके बोले कि भाई चारगी तब साबित होगा गांधी जी जब आप मस्जिद में बैठ करके भी भगवत गीता के अध्याय पढ़ दीजिएगा। आइए पढ़िए। मैं राहुल गांधी जी से आंख में आंख डाल करके पूछना चाहती हूँ कि अजमेर शरीफ तो जाते हैं आप चादर चढ़ाने के लिए, जरा उसी अजमेर शरीफ में हाथ फैलाकर दुआ मांगने के बाद हाथ जोड़ करके एक बार वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल करके दिखाइए। तो मैं अध्याय पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, मैं श्लोक पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ करके उसी अजमेर शरीफ में वंदे मातरम बोल करके दिखाइए तो टुकड़ों में वापस आएंगे राहुल गांधी जी। नाजिया जी, शुभेंदु अधिकारी ने भी तो यही बात कही ना जो आपने कही कि सबका विकास ठीक है, सबका विश्वास ठीक नहीं है। ये बात कहने के बाद कितना बवाल मचा है। उन्होंने यही बात तो कही कि भरोसा नहीं किया जा सकता, और उनके कहने के पीछे भी तो कोई वजह ही होगी ना। देखिए अंजू जी, आप मुझे रोज इज्जत दीजिए, आप मुझे रोज प्यार दीजिए, रोज सम्मान दीजिए, पर एक वक्त तो आएगा कि उल्टा गालियां सुनते सुनते आप थकेंगे, आपका दिल दुखेगा, आपको सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे जो सीएम योगी का कावड़ यात्रा को लेकर फैसला आया है उससे पूरे देश में हड़कंप मच चुका है। खासकर जो शांति दूत हैं वो काफी ज्यादा बुखलाए हुए हैं और हल्ला मचा रहे हैं। तो इसी पे आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और बहादुर बेटियों को डिस्कस करते हुए, खासकर पत्रकार अंजू पंकज जी जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी, भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने आपके लिए चैनल पर डाला था जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो इसे भी अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में उसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जैसा कोई रेप करे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए कि इस्लामिक सजा दे दो बाबू, यहां मत आओ, एक बार करके तो देखे हम, एक बार इसको इम्पोज तो करें, एक बार इसको इम्प्लीमेंट तो करें। हर बैंक वाले ये कह तो दें कि हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे जो सरकार की योजना है, हम आपको आवास योजना नहीं देंगे, हम आपको शौचालय योजना नहीं देंगे, हम आपको जनधन योजना नहीं देंगे, हम आपको सीखो कमाओ योजना नहीं देंगे, हम आपको ईदी योजना नहीं देंगे, हम आपको कारीगर योजना नहीं देंगे, हम आपको लखपति दीदी योजना नहीं देंगे। एक बार बोल के तो देखें, छह महीना ज्यादा नहीं, मैं कह रही हूँ सिर्फ छह महीना। और मैं केंद्र की सरकार को मैं इस बात का आगाह करना चाहती हूँ आपके आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सबका साथ ठीक है, सबका विकास भी ठीक है, पर मुसलमानों का विश्वास ठीक नहीं है, नहीं है वो विश्वास के काबिल। मैं खुद सुन्नी मुसलमान हो करके मैं ये बात कह रही हूँ कि मुसलमान विश्वास के काबिल नहीं है। इस राष्ट्र से मोहब्बत कभी मुसलमान कर ही नहीं सकते हैं। आप 77 साल में देखिए कि कौन सा ऐसा एक 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 मुझे इंसिडेंट या सर्कमस्टेंसेस बताइए जिसमें मुसलमानों ने विश्वास का काम किया है। महावीर मंदिर में जब गांधी जी ने जब कुरान की आयत पढ़ी थी तब उस वक्त जामा मस्जिद मौजूद था, दिल्ली में मौजूद था। क्यों नहीं बुखारी का जो सबसे बड़ा बुखारी जो था इसी के अब्बा जान थे तो क्यों नहीं बुला करके बोले कि भाईचारगी तब साबित होगा गांधी जी जब आप मस्जिद में बैठ करके भी भगवत गीता के अध्याय पढ़ दीजिएगा। आइए पढ़िए। मैं राहुल गांधी जी से आंख में आंख डाल करके पूछना चाहती हूँ कि अजमेर शरीफ तो जाते हैं आप चादर चढ़ाने के लिए, जरा उसी अजमेर शरीफ में हाथ फैलाकर दुआ मांगने के बाद हाथ जोड़ करके एक बार वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल करके दिखाइए। तो मैं अध्याय पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, मैं श्लोक पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ करके उसी अजमेर शरीफ में वंदे मातरम बोल करके दिखाइए तो टुकड़ों में वापस आएंगे राहुल गांधी जी। नाजिया जी, शुभेंदु अधिकारी ने भी तो यही बात कही ना जो आपने कही कि सबका विकास ठीक है, सबका विश्वास ठीक नहीं है। ये बात कहने के बाद कितना बवाल मचा है। उन्होंने यही बात तो कही कि भरोसा नहीं किया जा सकता, और उनके कहने के पीछे भी तो कोई वजह ही होगी ना। देखिए अंजू जी, आप मुझे रोज इज्जत दीजिए, आप मुझे रोज प्यार दीजिए, रोज सम्मान दीजिए, पर एक वक्त तो आएगा कि उल्टा गालियां सुनते सुनते आप थकेंगे, आपका दिल दुखेगा, आपको दर्द होगा, आपके आंख से आंसू निकलेगा और जुबान से निकल जाएगा कि भाई मैं तो तुझे पिछले 20 साल से 25 साल से मैं तुझे इतनी इज्जत दे रही हूँ, फिर भी तू मुझे गालियां दे रही है। एक बार तो निकलेगा,
एक जमाने से, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या ना हो, आरएसएस, वीएचपी और एबीवीपी अपने सोशल वर्क को कभी नहीं रोकता है, कभी नहीं रोकता है। बात यहाँ पर हिंदू धर्म की भी है, बात यहाँ पर सनातन धर्म की भी है, मैं किसी पॉलिटिकल बात को उठाना ही नहीं चाह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस ने जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसने कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी जात या धर्म या मजहब में किया ही नहीं। तो आप हिंदुओं का लाभ तो आरएसएस के माध्यम से भी उठाए हो, हिंदुओं का लाभ आप योजनाओं से भी उठाए हो मुसलमानों ने, हिंदुओं का लाभ आप वीएचपी वाले से भी उठाए हो, विश्व हिंदू परिषद से भी उठाए हो, आप हिंदुओं का लाभ एबीवीपी से भी उठाए हो। तो जब आप उठा रहे हो तो मुस्कुराते क्यों नहीं, इज्जत क्यों नहीं देते हो, रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हो, कहते क्यों नहीं हो कि हम जो लखपति दीदी बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी की योजना से बने हैं। मेरी माँ बेटियां, मेरी माँ बहनें, बहुएं जो हैं वो शौचालय जा रही हैं अपने शरीर को छुपा करके, जो पहले खेत जाया करती थी और नंग धड़ंग सबको दिखाती थी, वो इज्जत आबरू से शौचालय यूज कर रही है। मोदी जी का दिया हुआ है, क्यों नहीं राजीव गांधी जी के दिमाग में ये बात आया कि हमारी माँ बेटियों को शौचालय देना चाहिए? क्यों नहीं मनमोहन सिंह जी के दिमाग में ये बात आई कि हमारी माँ बहनों को गांव गांव में एंटर कर करके उनको शौचालय देना चाहिए? वो साड़ियां उठा करके नंग धड़ंग मर्दों को दिखाती थी। ऐसे कई केसेस आए हैं कि पहली किरण में जब लोटा लेकर के माँ बहनें जाती थी तो वहां बलात्कार होता था। ये केसेस तो आए हैं भाई, इस केसेस को तो छुपाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही है कि सारी योजनाओं का फायदा लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के साथ कभी नजर नहीं आते। पर एक चीज और है नाजिया जी, मैंने तो ये सुना है कि बैंक में पैसे रखना, बैंक से ब्याज लेना, बैंक से सहूलतें लेना पैसे को लेकर, ये सब कुछ भी इस्लाम में हराम माना जाता है। हराम बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा सिन है। एफडी करना, लोन लेना, अपने पैसे को लाइफ इंश्योरेंस में रखना, यूट्यूब से पैसे उठाना या अपने किसी भी सोशल साइट को मोनेटाइज करना, ये सारी चीजें हराम है। हिंदुओं का पानी पीना, हिंदुओं का अनाज खाना, इट्स अ सिन। और ऐसा वैसा सिन नहीं है, ये मतलब जन्नत का दरवाजा बंद करने वाला सिन है। तो फिर तो बहुत सारे मुसलमानों के लिए जन्नत के दरवाजे बंद हो चुके होंगे क्योंकि सारी योजनाओं का फायदा तो वो ले ही रहे हैं बीजेपी से, सरकार से, और ये योजनाओं का फायदा भी उनके लिए ठीक नहीं है। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान, अगर इस्लाम और अल-कुरान के तरीके से देखा जाए तो 20 करोड़ मुसलमान जो अभी इस वक्त मौजूद है इस धरती पर, वो जन्नत नहीं जा सकता है। क्योंकि जो अनाज पैदा करने वाले हैं, जो किसान हैं, उसमें 90% तो हिंदू हैं। जिस जो देश की सुरक्षा आर्मीज कर रहे हैं, कल मैं आर्मी ऑफिसर के एक सेमिनार में गई थी, तो जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं उसमें तो 90% हिंदू है। आर्मी ऑफिसर बनते कहाँ है मुसलमान? कभी आपने अवेसी को बोला, अवेसी को सुना है कि मेरे बच्चों को आर्मी ऑफिसर बनाओ, मेरे बच्चों को नेवी ऑफिसर बनाओ, मेरे बच्चे जंग जाएंगे लड़ने के लिए? कभी सुना है? कभी ये बात कान तक आई है? कभी मदनी ने बोला है कि मेरे मुसलमान युवा नौजवान बॉर्डर पर जाएंगे, अपने अपने लहू बहाएंगे, मेरे बच्चे देश की सुरक्षा करेंगे और आर्मी ऑफिसर बनेंगे? नहीं, मजे में बैंक की सुविधा लेते हैं, मजे में मोदी जी की योजनाओं की सुविधा लेते हैं, मजे में आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन की सुविधा लेते हैं, मजे में वीएचपी की सुविधा लेते हैं और मजे में टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, मजे में फोटो खिंचवाते हैं, मजे में यूट्यूब से पैसा कमाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं हम तो भाई इस्लाम वाले हैं। अगर इस्लाम वाले हो तो काहे को टीवी चैनल पर लंबी लंबी दाढ़ी रख करके आते हो? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर है क्या? हजरत आदम अलैहि सलाम की कोई तस्वीर है क्या? हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की कोई तस्वीर है क्या? हमारे जितने भी पैगंबर आए हैं जिनका जिक्र अल कुरान में है, उनकी कोई तस्वीर है क्या? जरा दिखा दो मुझे। तो तुम काहे के लिए आते हो टीवी चैनल पर? तुम काहे को डीपी लगाते हो, प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो, घूमने फिरने जाते हो तो बड़ा मजेदार अपना स्टेटस डालते हो? तुम कौन से इस्लाम चिटिंगबाज मुसलमान है अंजू जी? इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है। अभी मैं आपसे स्पेनिश में बात करूंगी, आप नहीं समझेंगी। आप मेरे से बात करिएगा किसी रशिया लैंग्वेज में तो मैं नहीं समझूंगी। तो उसी तरीके से हमारे भारत में 20 करोड़ आबादी के जो मुसलमान है उसमें 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को अरबी भाषा ही नहीं पता। तो कुरान बोल क्या रहा है ये उनको पता ही नहीं है। वो दाढ़ी लगा लिया,
चुड़ैलबाज मुसलमान बन गए, उटंगा पैजामा पहन लिया चुड़ैलबाज मुसलमान बन गए, जालीदार टोपी पहन लिया बन गए चुड़ैलबाज मुसलमान, बस हो गया। वही तो है ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पहली बात तो ये है कि नाम बदल कर लव जिहाद करना, नाम बदल कर ढाबे चलाना, नाम बदल कर ढाबे रखकर पैसा कमाना, फिर उस पैसे को जकात में इस्तेमाल भी करना काफिरों के खिलाफ, ये तो सबसे बड़ा धोखा है। आप जब चीटिंग बाज बोलती हैं तो मुझे ये टर्म मैंने आप ही से सुनी है, तो आप बिल्कुल सही कहती हैं क्योंकि ये धोखा ही तो है। और इस धोखे को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? ओवैसी। तो ओवैसी को पहले ये बताना चाहिए कि थूक जिहाद को रोकने के लिए या लव जिहाद को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया। क्यों नहीं कहते वो मुस्लिम युवाओं से कि नाम क्यों बदल रहे हो भाई, ढाबे का नाम मौलवी के नाम पर रखो ना, अपने नाम पर रखो, क्या बुराई है। और अगर आपने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा है तो नीचे अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखो कि ये प्रोपराइटर कौन है, ओनर कौन है इस होटल का, तो दिक्कत क्या है। लेकिन अब क्या है कि इस पर भी बवाल मचा हुआ है, अब देखते हैं इसमें और क्या कुछ होता है। लेकिन ये फैसला अपने आप में एक ऐसा फैसला जो आपने कहा कि पूरे भारत में लागू होना चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू होना चाहिए। नाजिया जी, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन और दमदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी सीएम योगी का जो फैसला है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आई, और खासकर उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो कानून है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में लागू होना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।